नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब यकीन मानिए जरूर बनेगा पैसा, बने या ना बने लेकिन बचेगा जरूर। अब कैसे बचेगा, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। क्रिप्टो स्टॉक मार्केट पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी रुचि है, शौक है, लेकिन इसको मेरी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना, क्योंकि क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ होता है। तो कुछ भी लेने खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेना। अब मेरे वह दोस्त जो एक सिक्योर इनकम की तलाश में हैं, फ्री हैं, जिनके पास कोई काम काज नहीं है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट्स, आगे अगर आपको पता है हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या डिपॉजिट कराने हैं, या किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हर तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप रिकमेंड करके, आपको सिर्फ रिकमेंड करना है, तो आप खाली रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर वो पर्सन अपना लोन लेता है, कुछ भी लेता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेता है, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव जरूर बनेगा और आप मंथली काफ़ी अच्छी जो है वो इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों पाई के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं पाई पे नया क्या आया है। सबसे पहले एक बात बता दूं, मेन नेट में जो है कॉइन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आपका केवाईसी हो गया तो आपके मेन नेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे वो आप आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देख लोगे, मैं वीडियो थोड़ा सा शूट करके बता दूंगा आपको। और अगर आपके और मेरे काफी दोस्तों के हो भी चुके होंगे, तो जिनके हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़े दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट के बाद ही वो लाख होंगे। और मेरे काफी दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं, सर पैसे की जरूरत है तो मैं अपने पाई बेचना चाहता हूं, तो मेरे को हंसी आती है। ये वही बात हो गई जो मैं इतनी देर से बताता आ रहा हूं कि 99% लोग जो है वो इसको बेचना चाहते हैं। तो ऐसे एक दोस्त से मैंने मस्खरी मखौल में पूछा कितने पैसे चाहिए, कहते इसकी वैल्यू डिसाइड हो लेने दो। तो वैल्यू डिसाइड हो लेने दो, उसके बाद आप देखना, ऐसा ना हो कि 10,000 काइन के बदले 2 पिज़्ज़े लेने पड़े, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ। अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कहते हैं कि सर हम कर रहे हैं लेकिन आगे गोल गोल चक्कर घूम रहा है, तो वो क्या करें, सेटिंग्स में जाए, सेटिंग्स में जाके अपना पाई नेटवर्क ऐप की जो है कैश ही क्लियर करें। जब वो क्लियर कर लेंगे और उसके बाद आप ओपन करके ट्राई करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने काफ़ी देर पहले से किया हुआ था, 1-2 महीने हो गए, वो भी एक बार ये ट्राई करें, अगर ये नहीं होता एक बार वो चेक करें, क्योंकि केवाईसी रीसबमिशन फीचर एक आया है। पाई कोर टीम का कहना है कि जो काफ़ी पहले से स्टक हैं वो एक बार देखें कि क्या उनको ये ऑप्शन आ रहा है। और कई जो है योति के, जिन्होंने पहले किया हुआ था केवाईसी, ऑलरेडी उनका किया हुआ है, लेकिन उनको भी क्या है ये बताया गया है कि जो योति केवाईसी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी ये फीचर आया और उनको भी जो है ये पास करना पड़ेगा। केवाईसी पायलट एप्लीकेंट्स और अदर्स विद सर्टेन मिसिंग डाटा हुआ स्टिल स्टक इन लेंथी प्रोसेसिंग टाइम ड्यू टू द सिस्टम इन एडिक्वेसीज फ्रॉम प्रीवियस केवाईसी सॉल्यूशन और प्रीवियस वर्जन ऑफ केवाईसी ऐप, तो उनको क्या करना चाहिए, दोबारा से एक बार ट्राई करना चाहिए जिन्होंने पहले से, क्योंकि अगर आपने किया आपका लेंथी प्रोसेस में स्टक हो गया तो आप पायलट बेसिस पे आपने ज्वाइन किया था, तो आपको ये दोबारा से करना चाहिए। उसके बाद पाई टू डे मेननेट माइग्रेशन और लास्ट वीक केवाईसी अनाउंसमेंट पे कुछ चर्चा दी है, उस पर इन्होंने बताया कैसे हुआ है, ये जो है ये मैं आगे आपको जब प्रोसेस बताऊंगा आपको ये उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अभी बैलेंस कितना ट्रांसफर हो रहा है, आपको कितने कॉइन मिल रहे हैं, अभी जो कॉइन आपकी टीम ने आपके साथ किए हैं, जिनको आपने रेफर किया, वो कॉइन आपको नहीं मिल रहे, तो वो सेकेंड फेज में उन्होंने बोला कि जब हम मेन नेट के आगे के वर्जन में चलेंगे और उसके बाद जब आपके ये जो टीम है उसके कॉइंस केवाईसी हो जाएंगे, अनलॉक होंगे, और उसके बाद जो है आपको मिलेंगे, इस पर इन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो पाई माइंड थ्रू रेफरल टीम रिवार्ड्स विल बी पुट ऑन होल्ड फॉर माइग्रेशन एट दिस टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर एनीवन ऑन रेफरल टीम इज केवाईसीड और नॉट, कि अगर आपकी टीम में केवाईसी भी हो गया है तो तब भी आपके कॉइन होल्ड पर रखेंगे। कि बताया जनरली पोर्शंस ऑफ रेफरल रिवार्ड्स एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट रेफरल टीम मेंबर्स विल ओनली बिकम ट्रांसफरेबल बैलेंस वंस द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स कट केवाईसी, तो ये भी इन्होंने बताया कि लेटर ऑन स्टेज में हो जाएगा। उसके बाद जो 1 पाई की जो फीस है वो डिडक्टेड है, वो उन्होंने बोला है वैलिडेटर पूल में चली जाएगी। तो जो
पाई कोर टीम जो वर्कफोर्स इसको कर रही है, जैसे मैंने कुछ को किया, आपने कुछ को किया, अगर आप वैलिडेटर बन गए हो तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन बनेगा उतने पाई आपको मिल जाएंगे। आगे बताया कि हाउ डू लॉकअप्स वर्क ऑन मेननेट, दो प्रोसेस है, एक जो आपने पहले से लॉकअप किया हुआ है वो है, और दूसरा अभी 15 दिन के लिए जो है लॉकअप आपका रहेगा। बताया पायनियर्स विद ए 1 ईयर लॉकअप पीरियड कैन गेट अप टू 1 मंथ डिस्काउंट ऑन देयर लॉकअप पीरियड। हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने ऐड अप किया है कि जिन्होंने 1 साल के लिए लॉकअप किया है तो उनके काइंड उनको 11 महीने के बाद रिलीज हो जाएंगे, उनको 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पायनियर लॉकड अप 100 पाई फॉर 1 ईयर, द एक्चुअल लॉकअप ऑन द ब्लॉकचेन मे बी फॉर 11th मंथ एंड 15 डेज बेस्ड ऑन दिस इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली 12 मंथ। और जिन्होंने 3 साल के लिए किया है, मैक्सिमम मेरे दोस्तों ने 3 साल के लिए, जो भी मुझे फॉलो करते होंगे, क्योंकि 3-4 साल 5 साल 7 साल हमें इसको देने पड़ेंगे। इस पर भी मैं काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, और आने वाले दिनों में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर वर्कआउट कर रहा हूँ जो आपको नॉलेज देंगी अपने असेट्स को बढ़ाने में, अपने पैसे को बढ़ाने में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्रिप्टो से जो है अभी विश्वास पिछले कुछ दिनों में डगमगाया है। मैं चाहता हूँ अब सरकार की रेगुलेशंस आए इसमें, गवर्नमेंट इस पर कदम उठाए, और उसके बाद हमें क्रिप्टो में जो है निवेश करना चाहिए। फिलहाल जितना निवेश है उतना करना चाहिए। और मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, दोस्तों मेरी आपसे एडवाइस है, कोई भी काइन जो आपको समझ में आता है 10,000 रुपये से ज़्यादा जो है आपको क्रिप्टो में फिलहाल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्की सेट्स है, इतना ज़्यादा रिस्क है इसमें इन्वॉल्व हो गया हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल जो मेरा क्रिप्टो विद एसबी वहाँ पे लिखा भी था, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की तो मैंने भी बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन यहाँ बता देता हूँ, पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स में जिस हिसाब से एक्सचेंजें उड़ी हैं, जिस हिसाब से लैंडर्स उड़े हैं जिन्होंने क्रिप्टो को आपने गिरवी रखा और एक्सचेंजें उड़ गई, जिन एक्सचेंज में आपके क्रिप्टो थे वो असेट्स जो है वो उड़ गए, और जब बड़ी बड़ी एक्सचेंज, बड़े बड़े ये जो नाम है अब इन्होंने ये जो खतरे में आ गए हैं क्रिप्टो को, जो क्रिप्टो में डील करते थे, और कई एक्सचेंज ऐसी हैं अगर आपका अकाउंट है ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो वो आपको पेनल्टियाँ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑल इज नॉट वेल विद क्रिप्टो, क्रिप्टो में सब कुछ अच्छा नहीं है, और जिस चीज़ में अच्छा नहीं है उस चीज़ में मैं अपनी एटलीस्ट हार्ड एंड मनी जो है वो नहीं रख सकता। आप काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो करते होगे, मुझे गालियाँ भी निकालते हैं लोग, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ट्रोलर को रिप्लाई देता पहले देता था, अब तो मैं थोड़ा ज़्यादा मेच्योर हो गया हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। तो काफ़ी यूट्यूबर हैं जो आपको इस बारे में नॉलेज दे देंगे, जिनको काफ़ी अच्छे कॉइंस की नॉलेज होगी, लेकिन मैं एट दिस मोमेंट, मेरे कोई क्लोज भी पूछते हैं तो मैं कहता हूँ उस फील्ड में जाओ जहाँ रेगुलराइजेशन है, जहाँ सरकार की दखलंदाजी है। आप देखो जिसने थोड़ा सा पैसा स्टॉक में लगाया था, शेयर्स में लगाया था, आज वो पैसा कितना ग्रो कर गया है, क्यों ग्रो कर गया है, आप देखिए स्क्रीन पे, अभी एक फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक में पैसा लगाया, क्यों लगाया है, वो क्यों नहीं क्रिप्टो में लगा रहे। और मैं समय समय पे बता रहा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ बड़ी अच्छी है, लेकिन किस कॉइन में ग्रोथ मिलेगी कैसे पता चलेगा, हर कोई जो है एनोनिमस आदमी पीछे बैठने की कोशिश करता है और अपने आप को बिटकॉइन से कंपेयर करता है, हर कोई बिटकॉइन ही बन सकता है, इथेरियम जो है आज तक बिटकॉइन की बराबरी नहीं कर पाया, आपने देखा अगर वो अपने हाई से 1/3 प्राइस रह गया बिटकॉइन का, तो इथेरियम जो है 1/5 रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि बिटकॉइन इज बिटकॉइन, और बिटकॉइन को छींक आती है तो बाकी सभी जो है वो कोविड के शिकार हो गए हैं। दूसरी एग्जांपल आप ये देखिए कितने ऑल्ट कॉइन्स हैं जो 90-90% अपनी वैल्यू उड़ा चुके हैं, तो कैसे पता चलेगा प्रोजेक्ट कैसे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। और अगर इसमें सरकार की रेगुलराइजेशन होती, सरकार ने इस फील्ड को रेगुलर किया होता, ये जो आज एक्सचेंजे पैसा लेके उड़ी हैं या बंद हो गई हैं जिनमें हार्ड एंड मनी थी इन्वेस्टर्स की, वो ऐसा नहीं कर पाती। कोई भी फील्ड आगे बढ़ने के लिए, भाई मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है कि मैं 1,000, 2,000, 5, 10, 20, 50, 1,00,000 लगा के मैं अपने पैसे को जो उड़ा दूं और बाद में शक्ल देखता रहूं कि मेरे को पैसा कब आएगा। इससे अच्छा तो मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, लाख का ज़्यादा नहीं है तो 90,000 रह जाएगा, 80,000 रह जाएगा, 70,000 रह जाएगा, और यहाँ तो ऐसे भी हैं जिनका लाख का 10-10 लाख, 20-20 लाख, करोड़ बना। आईटीसी की एग्जांपल देख लो, मैं इंडिया की बात करता हूँ, एप्पल की देख लो, अमेजन की देख लो, इन्वेस्टर्स को देखो कितना कितना पैसा लगाया था, कितना कितना बनाया। अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ताकि हमें ग्रोथ मिले, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा पैसा डूब जाए।
तो ये एक छोटा सा मेरा खुद का विचार था, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा क्रिप्टो में मैंने अपने हाथ रखा, और शायद मैं क्रिप्टो में अब अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकालूंगा, और मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से बचूंगा, सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रखूंगा जो फ्यूचर के लिए मुझे समझ में आ रही है, बाकी मुझे अभी इस फील्ड में नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एक डार्क साइड नजर में आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया है, बड़े बड़े सपने दिखा के आपने क्या किया, और इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं बाइनेंस। आप देखिए बाइनेंस एक ऐसी एक्सचेंज है जिन्होंने क्या किया, काफी असेट्स जो है वो परचेज कर रहे हैं दूसरी एक्सचेंजों के, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश है, और आप तो जीरो उस पर भी ट्रेडिंग करवा रहे हैं, तो यही इन्होंने बताया कि 3 साल का जिनका लॉकअप है उनको 3 महीने का डिस्काउंट मिलेगा, और आगे जो है मेननेट के बारे में बताया और सॉल्यूशंस के बारे में बताया, केवाईसी पे कैसे होगा, और अभी जैसे ही 15 दिन आपके कंप्लीट होंगे जिन जिन के कॉइन्स क्रेडिट हो गए हैं, तो वो इनक्लोज नेटवर्क में अपना क्या कर सकते हैं, कॉइन को बेच सकते हैं, अपने दोस्तों को बेच सकते हैं, और आपस में जो है लेन देन भी कर सकते हैं, वो आपको यहां से समझ में आएगा। वाइल ट्रांजेक्शन बिटवीन पाई एप्स एंड पाइनियर्स एंड पाइनियर टू पाइनियर ट्रांजेक्शन आर अलोट विद इन द पाई नेटवर्क, द इनक्लोज नेटवर्क पीरियड विल हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एज लिस्टेड इन द रिस्ट्रिक्शन इन इनक्लोज नेटवर्क सबसेक्शन ऑफ रोड मैप चैप्टर ऑफ दिसंबर व्हाइट पेपर, जो मैंने आपको पहले से बताया हुआ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, ये व्हाइट पेपर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, अनटिल द ओपन नेटवर्क पीरियड बिगन, और जब तक कि ओपन नेटवर्क नहीं शुरू होता, कब शुरू होगा जब पाई और मैच्योर होगा, और आने वाले दिनों में पाई की बहुत अच्छी वैल्यू बनेगी, ऐसा मुझे अभी थोड़ा सा देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है। मुझे कुछ और चीजों पे है, मेरे काफी दोस्त नाराज भी हैं जो पाई वैल्यू पे वीडियो देखना चाहते हैं, वैसे तो वैल्यू अभी इसकी 3,14,000 कुछ डॉलर जो है वो आप ट्विटर पे देख रहे होगे, ट्विटर पे लोग डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा, इतनी वैल्यू वर्चुअली इम्पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होती तो हर आदमी जो है फिर तो एक एक आईलैंड का मालिक बन जाए। वैल्यू होगी, अच्छी होगी, कितनी होगी, क्या होगी, उस पर आने वाले दिनों पर भी चर्चा करूंगा। अब एक बार आप प्रोसेस देख लीजिए, आपको क्या प्रोसेस करना है, अपने पाइप जो ऐप है उसमें जाके, और अगर आपका केवाईसी हो गया तो अपना मेन नेट कंप्लीट कर दो, आपके काइंड भी आपके वैलेट में आ जाएंगे। फिर भी आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। अब दोस्तों आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेन नेट इन्फो, इसको क्लिक करोगे, मेन नेट चेकलिस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करोगे, उसके बाद चेकलिस्ट के कुछ पैरामीटर हैं इसको देखोगे, डाउनलोड पाई ब्रोजर ऐप, अगर डाउनलोड किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपको करना चाहिए, क्रिएट पाई वॉलेट, उसके बाद आपको वॉलेट क्रिएट करना है, उसके बाद कंफर्म करना है पाई वॉलेट, आप देखिए मैंने कंफर्म किया है, उसके बाद कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, जो जो चेकलिस्ट आपने किया वो ग्रीन होगा, नहीं होगा तो वो ऑप्शन अभी आपको पूरा करना है, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, अगर आपका हो चुका है तो ग्रीन हो गया होगा, वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट, हो गया तो ग्रीन हो चुका होगा, उसके बाद ऑप्शन है माइग्रेट टू मेन नेट, इसको आपने क्लिक करना है, जब आप क्लिक करोगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा, आपको वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना है, आप देखिए ये पूरे का पूरा एक एग्रीमेंट है, और नीचे वॉलेट एड्रेस है, तो आपने अपने वॉलेट से पाई वॉलेट से एड्रेस लेके यहाँ पे पेस्ट करना है, और आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कंप्लीट हो जाओगे उसके बाद आपके वॉलेट में जो है वो आपके टोकन आ जाएंगे जितने आपने आज तक माइन किए हुए हैं, और 14 दिन का जो है वो इनिशियल लॉक इन पीरियड है, 14 दिन तक वो टोकन क्या रहेंगे, लॉक इन रहेंगे, तो इस तरह से आपको ये क्या करना चाहिए, प्रोसेस पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैं ये माइग्रेट कर चुका हूँ तो आपको ये नज़र नहीं आया होगा, लेकिन माइग्रेट का जैसे ही आप ऑप्शन इसको क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर अपना क्या करना है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है, और अपना वॉलेट आईडी, वॉलेट का जो आपका एड्रेस है, वॉलेट का एड्रेस डालना वो, ताकि वो टोकन आपके वॉलेट में चले जाए, तो इस तरह से करके आप इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए अगर आपका केवाईसी हो चुका है तो। मेरे वह दोस्त जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते तो उनको करना चाहिए, लगता कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में फायदा भी जरूर हो सकता है, और टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसबी, तो अगर आप क्रिप्टो विद एसबी के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं ट्विटर टेलीग्राम सबके, तो आपको फॉलो करके आप जुड़ सकते हो। और मेरे वह दोस्त जो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया है कि अगर आप मेरे साथ प्रोडक्ट लोन बेस्ड प्रोडक्ट के साथ जुड़ना चाहते हो, काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं तो, और काफ़ी अच्छे बड़े बैंक हैं जिनका नाम बताया, तो आप अपने क्लाइंट्स को अपने दोस्तों को रेफर करके अच्छा मुनाफे भी कमा सकते हो। तो कैसे जुड़ना है, ये जो स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज कर दो, अपना प्रोफाइल मैसेज कर दो कि आप क्या करते हो, क्या आपका आज क्या काम कर रहे हो, कितनी पढ़ाई है, और कैसे जो है आपका इंटरेस्ट है ग्रो करने में,
तो मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा और उसके बाद हो सके तो एक टीम की तरह काम करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।